चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। देखो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप का न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है हमें, मतलब कौन लेता है। वे ऑर्गेनिज्म लेते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। Now, depending upon how they obtain their food, these organisms are further classified into three groups. इस टाइप के न्यूट्रिशन के जो इस टाइप में न्यूट्रिशन के जो ये टाइप होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप से भोजन नहीं बना पाते हैं, तो वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, है ना, किसी और पर डिपेंड रहते हैं। तो इनके फूड की डिपेंडेंसी जो होती है उसके बेसिस पर इन ऑर्गेनिज्म को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सैप्रोफाइट, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोई। देखो सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये आप तो जानते ही हो। जैसे कभी कभी आप ब्रेड रखा हुआ है आपके घर में, काफ़ी दिनों से रखा हुआ है ना, बासी ब्रेड में छोटे छोटे आप देखोगे वाइट टाइनी एकदम वो थ्रेड निकल के आ जाते हैं, है ना, रुई का जैसे फाहा जैसा दिखता है, तो वो क्या होता है। हाँ आप कहोगे मैम ये फफूंद है ना, फंजाई है, फंगस लग गया है इसमें, तो ये सब क्या है, ये सैप्रोफाइट्स हैं, सैप्रोफाइट्स, ठीक। तो मतलब दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं, जो खराब सड़ी गली चीज़ें होती हैं उन पर उगते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन देयर फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। उसकी बॉडी को वो उसके फूड को पहले पूरा ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं बाहर से और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड्स मैंने पहले ही बताया, मशरूम आप देखते होंगे जो सड़ी गई लकड़ियाँ होती हैं उस पर उगाती हैं, है ना। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ पैरासिटिक, सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किस पर डिपेंड रहते हैं, किस पर अपनी न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पर रहते हैं या एनिमल्स पर रहते हैं, लेकिन उनको किल नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं, है ना। जैसे टेप वॉर्म है, लीच है, मॉस्किटो है, मॉस्किटो देखा है ना आप लोगों ने, हाँ। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। होलोजोइक, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स टेक द सॉलिड फूड एज इंजेशन। हाँ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन जैसे फूड लेते हैं, है ना। इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इन बॉडी। जो फूड वो लेंगे वो कहाँ जाएगा, उनकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और बॉडी सेल्स, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स होंगी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो न्यूट्रिशन होती है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। डिफरेंट वेज फॉर ऑब्टेनिंग फूड, देखो सबका अलग अलग तरीका होता है कैसे कौन फूड को ऑब्टेन करता है, कैसे लेता है। जैसे अमीबा है, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा कैचेस इट्स फूड बाई फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। तो अमीबा फूड को कैसे लेता है, वो अपने स्यूडोपोडिया से लेता है ना। स्यूडोपोडिया क्या होता है, दी सीरोपोडिया फ्यूज एंड फॉर्म फूड वैक्यूल्स। ये फ्यूज होती हैं और फूड वैक्यूल्स का निर्माण करती हैं। कॉम्प्लेक्स फूड इज डाइजेस्टेड विद इन दिस वैक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू साइक्लोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। देखो अमीबा क्या करती है, पहले सीरोपोडिया फॉर्म कर लेती है अपने बॉडी का, एक जैसे मैं आपको पिक्चर सेंड करूँगी, आप उसमें देखोगे कि कैसे वो अपना स्यूडोपोडिया फॉर्म करती है और उसी स्यूडोपोडिया में फूड वैक्यूल्स आकर फंस जाते हैं और फिर उसको वो अपने अंदर क्या करती है, ले लेती है।
और उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है। किससे डाइजेस्ट करेगी? डाइजेस्टिव जूस की हेल्प की सहायता, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से डाइजेस्ट करेगी। और किस में डाइजेस्ट करेगी? साइटोप्लाज्म में। जितना अनडाइजेस्टेड फूड होगा, देखो जो डाइजेशन हो गया वो तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाएंगे। कैसे बाहर आएंगे? थ्रोन आउट ऑफ बॉडी, ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो आज के लिए अभी आप इतना है। अच्छा, पैरामीशियम भी देख लो, पैरामीशियम अमीबा और पैरामीशियम दोनों साथ में पढ़ते हो ना आप हमेशा, तो अमीबा के बारे में जान लिया, पैरामीशियम के बारे में भी जान लो। पैरामीशियम टेक्स इट फूड्स थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही वो फूड को लेता है। फूड इज़ ड्राइवन टू दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया, किसके हेल्प से लेता है फूड को? जैसे अमीबा में था, अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से फूड वैक्यूल्स लेता है, और पैरामीशियम किससे लेता है? पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से लेता है। तो अब कन्फ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा अमीबा टेक्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया एंड पैरामीशियम इज पैरामीशियम टेक्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सीलिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, थैंक यू क्लास।